हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लता संतानी क्रिएशंस। आज मैं आप लोगों के साथ वेज सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसे आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। इसके लिए पत्ता गोभी बारीक कटी हुई 25 ग्राम लेंगे, एक शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ लेंगे, ग्रेट की हुई आधी गाजर लेंगे, एक ककड़ी लेंगे, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है, बारीक कटा हुआ एक टमाटर लेंगे, एक पीस बीटरूट का भी ग्रेट कर लिया है। अब स्वादानुसार वाइट पेपर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ मेयोनीज भी ऐड करने वाले हैं, तो वो भी साल्टी रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए नमक ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार ब्लैक पेपर भी ऐड कर देंगे। स्वाद को बढ़ाने के लिए यहाँ हम ऐड कर रहे हैं चीज़, गार्लिक हर्ब। यहाँ हम ऐड करने जा रहे हैं 2 चम्मच मेयोनीज। मेयोनीज से सभी वेजिटेबल्स अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वेजिटेबल्स मेयोनीज में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। चलिए, स्टफिंग तो तैयार है, इसे साइड में रखते हैं और ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। ब्रेड के चारों तरफ से किनारे कट कर लेंगे और इन किनारों को हम ब्रेड क्रम्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ब्रेड के कॉर्नर को निकालने से हमारी सैंडविच बहुत ही सॉफ्ट बनती है। कॉर्नर कट हो गए हैं, अब इस पर हम बटर लगाएंगे। अच्छी तरह से 2 स्लाइसों पर बटर लगाने के बाद इस पर हम स्टफिंग फैला देंगे। अच्छी तरह से स्टफिंग फैलाने के बाद दूसरी स्लाइस ऊपर से रखेंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे और फिर बीच से तिरछा कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे आप भी ट्राई कर सकते हैं, विद इन 5 मिनट रेसिपी है। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। इसी तरह से बाकी के सैंडविच भी तैयार कर लेंगे। इस सैंडविच को हमने बिना गैस जलाए ही बनाया है, तो बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विकली बना सकते हैं। चलिए, सैंडविच तैयार है, तो ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस के साथ इसे सर्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।